स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। तो जैसा कि हमें पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा जो है वो सफलतापूर्वक जो है संपन्न हो चुकी है। अब जो कैंडिडेट हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं उसके रिजल्ट का। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे महत्वपूर्ण अपडेट आई है, चलिए पढ़ते हैं। शिक्षक भर्ती तीसरे चरण का रिजल्ट अगले माह। बीपीएससी के अध्यक्ष रवि भाई परमार ने गुरुवार को बताया कि शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण का रिजल्ट अगस्त में आएगा। सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण को लेकर जो फैसला आएगा उसी अनुरूप रिजल्ट तैयार किया जाएगा। आंसर की अगले सप्ताह में जारी हो सकती है। तीसरे चरण में 87,744 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए सभी वर्ग मिलाकर कुल 5,97,996 फॉर्म भरे थे, जिसमें 4,69,397 उपस्थित हुए। कुल उपस्थिति 78.72% रही। सभी पकड़े गए अभ्यर्थियों पर होगा केस। आयोग के सचिव ने बताया कि टीआरई 3.0 की परीक्षा संचालन के दौरान 57 परीक्षार्थी कदाचार में पकड़े गए, सभी पर आयोग प्राथमिकी दर्ज कराएगी, आगे की परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जाएगा। ईओयू ने जिन 276 अभ्यर्थियों की सूची जारी की है इन पर आयोग ने फैसला नहीं लिया है। इसके बारे में डिटेल आयोग को प्राप्त नहीं हो सका है। संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी। बीपीएससी ने एक बार फिर संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। 21 परीक्षाएं होंगी। 69वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट 31 जुलाई तक संभावित है। 17 से 28 अगस्त तक साक्षात्कार व 31 अगस्त को रिजल्ट आएगा। कैलेंडर में शामिल 21 परीक्षाओं में से 16 की तिथियां वही है जो पहले जारी की गई थी। केवल उप प्राचार्य आईटीआई सिमुलतल्ला स्कूल में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक प्राचार्य और उप प्राचार्य का प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन किया गया है। यहाँ देख सकते हैं आयोग की परीक्षा कैलेंडर में टीआरई 4.0 का जिक्र नहीं। आयोग के नए कैलेंडर के मुताबिक अगस्त में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा नहीं होगी। पहले कहा गया था कि टीआरई हर साल में अगस्त में होगा, लेकिन नए कैलेंडर बीपीएससी ने टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम डेट रिजल्ट के डेट के कॉलम को खाली छोड़ दिया है। वहीं बिहार बोर्ड की ओर से अभी तक एसटीईटी का रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया है। वहीं पूरक रिजल्ट के बारे में आयोग ने कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दी। हालांकि जानकारी के अनुसार पूरक में भी ज़्यादा अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट का अनुमान है कि अगले महीने आएगी, और जो आंसर की है वो आपका आने वाले सप्ताह में आ सकती है। तो न्यूज़ कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।